Today we are going to study evolution. So first we'll understand what are the basic steps of evolution. So nature में हमारे पास already क्या present थे different free atoms like C, H, O, N different आप examples consider कर सकते हो. Generally the free atoms combined to form inorganic molecules. Inorganic molecules means which are not carbon compounds. So different examples we can take like water, oxygen, ammonia, etc. Different nature में inorganic molecules present हैं. Likewise, inorganic molecules के बाद हम evolution में धीरे धीरे study कर रहे हैं कि next step क्या हो रहा है. उसके बाद formation हुआ organic molecules का. So organic molecules में first simple organic molecules की formation हुआ. Simple organic molecules you can also say basic organic molecules like हम डिफरेंट स्टडी कर सकते हैं. अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन हुआ, शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ, देन फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का मोनोमर्स आप कंसिडर कर सकते हो या बेसिक कंपोनेंट्स. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारे पास बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो एज ए मोनोमर एक्ट करते हैं, बिगर मॉलिक्यूल या पॉलीमर बना देते हैं. सो आप कह सकते हो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकते हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और यू कैन से पॉलीसेकेराइड्स. लिपिड्स, फैट्स एक्सेट्रा. दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसके बाद नेचर में क्या हुआ, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे दे वर सराउंडेड बाय अ फैटी एसिड मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड हो गए बाय अ फैटी एसिड मेम्ब्रेन तो हमने इसको एक नाम दे दिया, दे वर नोन एज माइक्रोस्फेयर्स क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के थे, या हम इनको कहते हैं क्वेसरवेट्स. क्वेसरवेट्स में सिंपली क्या आपने अंडरस्टैंड करना है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड अब नजर आते थे. सो एवोल्यूशन में हमने फ्री एटम से स्टार्ट किया और हमारे पास अब फॉर्मेशन हो चुका है क्वेसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर्स. सो नेक्स्ट क्वेसरवेट्स जिसमें हमने कहा एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. उसके बाद क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे उसमें अगर जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे पास, अगर न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं दीज क्वेसरवेट्स को तो अब हमने नाम दे दिया क्योंकि अब न्यूक्लिक एसिड्स ने कंट्रोल गेन कर लिया. सो अब हम नाम दे देंगे उसे, दैट इज प्रोटो सेल और यू कैन से प्रोटोबायोंट और यू कैन से प्री सेल. मीन्स इसके बाद हमारे पास फ्यूचर सेल का एवोल्यूशन हुआ. साथ ही साथ जब हमारे पास ये प्रोटो सेल बना, साथ में हमारे पास फ्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी एनवायरमेंट में डेवलप हुए, या हम इनको कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स थे और साथ में एसोसिएटेड प्रोटीन्स थी. बट स्पेशल फीचर इज न्यूक्लियो प्रोटीन्स वर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मीन्स वो रेप्लिकेट कर सकते थे. सो इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ. नेचुरल सिलेक्शन में उस टाइम के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फेवरेबल था और या आप कह सकते हो जो करेक्टर उस टाइम के अकॉर्डिंग एडवांटेजेस था वो सिलेक्ट किया गया. सो इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ और हमारे पास फर्स्ट सेल जो है वो नेचर में सिलेक्ट कर लिया गया. सो आप इसको कह सकते हो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल. फर्स्ट प्रिमिटिव सेल एक्चुअल में प्रोटो सेल से ही बना है. ये जो सेल बना, अब हम आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, या फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट जो था उसके करेक्टर्स क्या थे, इट वाज एनारोबिक. एनारोबिक मींस ऑक्सीजन ये यूज नहीं करता था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रो करता था. एंड सेकेंड इट वॉज कीमोहेटरोट्रॉफिक. कीमो मीन्स इट यूजेस केमिकल्स एंड हेटरोट्रॉफिक मीन्स इट वॉज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट फॉर फूड. सो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता था, जो एनवायरमेंट में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते थे उसको एब्जॉर्ब करके वो अपना न्यूट्रिशन गेन करता था एंड सर्वाइव करता था. सो अब ये जो भी आप सेल लाइक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो इट कैन डिवाइड बाय बडिंग. सो प्रोकैरियोट हमने इसको नाम दे दिया बट इट वॉज एनारोबिक एंड कीमो हेटरोट्रॉफिक. सो नेक्स्ट एवोल्यूशन कीमो हेटरोट्रॉफिक से नेक्स्ट हमारे पास बन गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कीमो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे यूजेस केमिकल्स बट दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड.
सो इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं, लाइक आयरन बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, सल्फर बैक्टीरिया आप कहते हो, जो डिफरेंट केमिकल से अपना फूड खुद बना सकते हैं, बट अभी भी ये क्या थे, देवर एनारोबिक, सो इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते थे। सो कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद हमारे पास एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा था तो वो यूज़ होते जा रहे थे। सो ऑर्गेनिजम्स ने एक न्यू वे निकाला कि वो लाइट को यूज़ कर सकते थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो अब हम कीमो के बजाय इनके इनको कहेंगे हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना फूड बनाते थे बाय यूजिंग लाइट। सो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, लेकिन अभी भी वो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन नहीं कर सकते थे। सो इसलिए हम इन्हें कहते हैं दे वर एन ऑक्सीजेनिक सेल्स, मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करते थे बट वो वाटर को यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता था, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एन ऑक्सीजेनिक सेल्स। ये फोटोट्रॉप्स थे क्योंकि ये अपना फूड खुद बना सकते थे बाय यूजिंग लाइट। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ ऐसे फोटोऑटोट्रॉप्स का जो अपना फूड बनाते थे बाय यूजिंग लाइट एंड दे यूज वाटर, वाटर को यूज़ करते थे प्राइमरी सोर्स, और उसके बाद एवोल्यूशन होता था ऑक्सीजन का, तो सिंपली हम इन्हें कह देंगे ऑक्सीजेनिक सेल्स। इस तरह से आपके पास अब ये जो सेल्स बन गए फर्दर, ये और इवॉल्व हुए और हमने इनको नाम दे दिया यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स आपके पास पहले इवॉल्व हुए, देन आपके पास यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स आगे आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप स्टडी कर सकते हो, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी और ह्यूमंस भी। सो इस तरह से डिफरेंट सेल्स का एवोल्यूशन हुआ। सो नेक्स्ट इज थ्यूरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट थ्यूरी पढ़ेंगे लेमार्किज्म। लेमार्किज्म को हम कहते हैं थ्यूरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। इट वॉज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, और इसने जो भी अपने थॉट्स थे या जो भी वो एवोल्यूशन के बारे में ये थ्यूरी एक्सप्लेन करना चाहते थे, उसके पॉस्टुलेट्स, एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड इन अ बुक। बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक्यू। इसमें 1809 में ये बुक में उन्होंने पब्लिश किया था अपना जो भी वर्क था, और बेसिकली उनके थ्री पॉस्टुलेट्स थे लेमार्क थ्योरी के। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट, फर्स्ट स्टेप एवोल्यूशन में क्या है अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ही सेड देयर इज ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स और डिजायर्स। इसको हम और भी कह सकते हैं दैट दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ न्यू नीड्स। तो सिंपली वो कहता है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में, सपोज ये हम कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, सो वो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू नीड्स या न्यू डिजायर्स डेवलप कर सकता है। कैसे? क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सपोज जिस एनवायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है उस एनवायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है, या सपोज वो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेशन करता है तो किसी न्यू एनवायरनमेंट में वो पहुंच जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर चेंज आता है इन हैबिट, हैबिट का मतलब उसके करेक्टर्स में या हैबिटेट, किसी भी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल के लिए न्यू नीड्स या न्यू डिजायर्स शो करता है। जब भी वो न्यू नीड्स या न्यू डिजायर शो करेगा तो वो अडेप्टेशन होगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट तो ये है कि नई नीड्स डेवलप होंगी। सेकेंड पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है, ही सेड अकॉर्डिंग टू न्यू नीड्स और न्यू डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू द चेंज, ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करेगा एंड किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को हो सकता है मिस यूज हो या हो सकता है उसका यूज ही ना हो। तो हम इसको कहते हैं यूज और नो यूज और समटाइम्स मिस यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। सो इट्स क्लियर कि अगर किसी ऑर्गन का ओवर यूज किया जाता है, मतलब अगर उसको ज्यादा यूज किया जाए जितना वो पहले यूज करता था, उसके कंपैरिजन में अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है और वो ज्यादा यूज करता है, तो ओवर यूज करने से वो जो ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। देन ये आप कह सकते हो डेवलपमेंट उसकी ज्यादा अच्छे से होगी, एक्टिव या स्ट्रांग मानेंगे। और अगर कोई ऑर्गन जो है वो अंडर यूज है, अंडर यूज भी हो सकता है या सपोज नो यूज है या सपोज मिस यूज है, तो ऑब्वियसली वो जो ऑर्गन है वो इनएक्टिव हो जाएगा और कंपैरेटिवली आप कहोगे वीक हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वो जो भी ऑर्गन है वो धीरे धीरे
रुडिमेंट्री हो जाए। रुडिमेंट्री का मतलब कि उसकी डेवलपमेंट भी धीरे धीरे स्टॉप हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन में आपको वो ना नजर आए। सो पहला उसने ये कहा कि नई नीड्स डेवलप होंगी, देन उसने कहा कि उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करेगा या मिस यूज करेगा। सो आफ्टर टू स्टेप्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू नीड्स, देन यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड थर्ड इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ये लेमार्किज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट एक्वायर्ड करेक्टर्स का मतलब क्या है? हमने कहा वो नई नीड्स डेवलप करेगा, यूज या डिसयूज करेगा ऑर्गन्स का, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ स्पैन में वो डिफरेंट करेक्टर्स जो है वो एक्वायर कर लेगा, ड्यू टू चेंज इन हैबिट, ड्यू टू चेंज इन हैबिटेट, चेंज इन एनवायरमेंट, किसी भी रीजन से अगर उसके करेक्टर्स जो हैं वो न्यू करेक्टर्स अडाप्ट करता है, न्यू करेक्टर्स एक्वायर करता है, तो उनको हम कहते हैं एक्वायर्ड करेक्टर्स। एक्वायर्ड करेक्टर्स सिंपली क्या है? दीज आर न्यू करेक्टर्स एक्वायर्ड इन द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो अब सपोज ऑर्गेनिज्म ने अपने लाइफ स्पैन में कुछ करेक्टर्स को एक्वायर कर लिया, तो मार्किज्म ये कहता है कि वो एक्वायर्ड करेक्टर्स जो हैं वो आगे इनहेरिट कर दिए जाएंगे। इनहेरिट मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो पास ऑन कर दिए जाएंगे। सो अगर ये करेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं, मीन्स सपोज हम कहते हैं पेरेंट्स ने कोई करेक्टर एक्वायर किया एंड दे पास्ड दैट करेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग्स में वो एक्वायर्ड करेक्टर्स प्रेजेंट हैं। सो अगर एक्वायर्ड करेक्टर्स उनमें प्रेजेंट हैं तो हो सकता है पेरेंट्स वाली जनरेशन से पहले वो करेक्टर नहीं था, बट पेरेंट्स ने अपने लाइफ स्पेन में डेवलप किए और उन्होंने आगे ऑफस्प्रिंग्स को पास कर दिए, तो ये ऑफस्प्रिंग्स डिफरेंट हो गए फ्रॉम द जनरेशन जो पेरेंट्स से भी पहले जनरेशन थी। तो इस तरह से नए नए करेक्टर्स जब ऐड होते जाते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली न्यू स्पीशीज बन जाती हैं। मीन्स ये ऑफस्प्रिंग्स जो हैं जिनके पास अब नए करेक्टर्स हैं, एक्वायर्ड करेक्टर्स, दे मे समटाइम्स फॉर्म अ न्यू स्पीशीज। अगर न्यू स्पीशीज बन जाती हैं तो हम उनको कह देंगे सिंपली क्या प्रोसेस हो रहा है? स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेमार्किज्म। हमने पॉस्टुलेट्स पढ़ लिए बट इस थ्योरी को कुछ एविडेंसेज हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट इसका क्रिटिसिज्म भी है। सो एविडेंसेज में क्या एविडेंसेस मिले जो सपोर्ट करता है कि लेमार्क ने जो थ्योरी दिया वो करेक्ट थ्योरी था फॉर द एवोल्यूशन? हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक स्नेक्स। स्नेक्स जो है पहले उनके जो एंसेस्टर थे उनके पास लिम्स होते थे, मीन्स उनके पास हैंड्स और फीट आप कह सकते हो प्रेजेंट थे, बट धीरे धीरे जो स्नेक के एंसेस्टर थे वो ज्यादा से ज्यादा एनिमीज से बचने के लिए कहाँ मूव करते थे? बरोज में मूव करते थे, और बरोज में अगर उनके पास लिम्स होते थे तो वो हिंड्रेंस कॉज करते थे। धीरे धीरे उन्होंने लिम्स जो हैं वो लूज कर दिए। अब जो स्नेक है वो बरोज में बहुत इजीली मूव कर जाता है क्योंकि उनकी स्लेंडर बॉडी है। देन डिफरेंट अदर एग्जांपल्स, हम एक्वेटिक बर्ड्स अगर कंसीडर करें तो एक्वेटिक बर्ड्स पहले लैंड पे ही होते थे, बट लैंड पे फूड की जब डिफिशेंसी हो गया, उनको फूड कम मिलने लगा, दे मूव टू वाटर, बट वाटर में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या डेवेल्प किए? दे डेवेल्प वेब्ड फीट। सो इस तरह से वो वाटर में मूव कर सकते थे, अपना फूड ले सकते थे। स्नेक्स में बरोज के लिए डेवलप कर लिया था सिलेंडर बॉडी। सो डिफरेंट करेक्टर्स उन्होंने एक्वायर किए एंड दीज करेक्टर्स वर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको हमें जो नेक्स्ट जो प्रेजेंट टाइम के जो एनिमल्स या बर्ड्स मिलते हैं उनके करेक्टर डिफरेंट हैं फ्रॉम देयर एनसेस्टर। देन आप एग्जाम्पल ले सकते हो डियर। डियर के जो एंसेस्टर थे वो इतने फास्ट रनिंग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उनके एनिमीज बढ़ते गए तो डियर ने एनिमीज से बचने के लिए फास्ट दौड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनकी ये जो रनिंग है वो नेक्स्ट इनहेरिट होती गई, तो इसलिए अब डियर ने जो करेक्टर डेवलप कर लिया है वो कौन सा है? फास्ट रनिंग। बेस्ट एग्जाम्पल जिराफ, लेमार्किज्म में दिया गया। जिराफ के एंसेस्टर जो थे वो शीप के साइज के थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लैंड पे फूड खत्म होने लगा जो उनके लीव्स वो खाते थे, तो उन्होंने स्विच किया एक हायर प्लांट पे। हायर प्लांट पे स्विच करने के लिए उन्होंने अपनी नेक स्ट्रेच की, और इस तरह से हर जनरेशन में जो नेक थी वो स्ट्रेच करते गए और इस तरह से वो हायर हायर प्लांट पे शिफ्ट करते गए फॉर फूड। तो जितना ज़्यादा हायर प्लांट होता था, मीन्स जहाँ उनको लीव्स मिल जाए, जैसे अगर वो इस लेवल तक फीड कर रहे हैं तो अगर यहाँ तक फूड खत्म हो जाता है देन वो उससे भी नेक्स्ट लेवल के लिए और स्ट्रेच करेंगे नेक को, और धीरे धीरे ये करेक्टर पास ऑन होता गया और अब हमें जो प्रेजेंट डे जिराफ मिलता है उसकी लॉन्ग नेक मिलती है। सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स एनिमल्स बर्ड्स में हम कंसिडर कर सकते हैं जो लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सो वी कैन कॉल देम एविडेंसेस फॉर लेमार्किज्म।
बट लेमार्क की थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला, जो इसके फर्स्ट टू पोस्टुलेट्स थे, दैट इज न्यू नीड्स और सेकेंड हमने कहा था यूज एंड डिस यूज और मिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, दैट वॉज वेल एक्सेप्टेड. क्योंकि ऐसा होता है कि न्यू नीड्स डेवलप होती हैं, ऐसा भी होता है कि यूज एंड डिस यूज ऑर्गन्स का किया जाता है ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो उसका थर्ड पॉस्टुलेट था इनहेरिटेंस, दिस पॉस्टुलेट वॉज चैलेंज्ड क्योंकि ऐसा देखा गया कि सभी करेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता. सो इनहेरिटेंस को चैलेंज किया था एक साइंटिस्ट ने, दैट वाज ऑगस्ट वेसमैन. ऑगस्ट वेसमैन ने लेमार्किज्म को चैलेंज किया बाय प्रपोजिंग अ थ्योरी. सो लेमार्किज्म को चैलेंज किया था ऑगस्ट वेसमैन ने, और उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, दैट वाज नोन एज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में ऑगस्ट वेसमैन ने सिंपली ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. वन इज नोन एज सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है या जो भी करेक्टर्स हैं, हम सिंपली उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सोमैटोप्लाज्म. सिमिलरली दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं जिनको आप रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हो, वो जनरली क्या होते हैं, हम कहते हैं गैमेट्स. ठीक है, या आप इनको कह सकते हो गैमेटिक सेल्स. सो गैमेटिक सेल्स या गैमेट्स में जो करेक्टर्स या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम कह सकते हैं जर्म प्लाज्म. सो वेजमैन ने सिंपली ये कहा कि जो करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं ओनली थ्रू दिस जर्म प्लाज्म. मीन्स गैमेट्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट सोमेटोप्लाज्म के जो करेक्टर्स हैं दे आर नॉट ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. सो दैट मीन्स कौन से करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे वो ये डिपेंड करेगा कि कौन से करेक्टर जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट है. जो वेसमैन था उसने लेमार्क की थ्योरी को चैलेंज किया, उसने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए ये शो करने के लिए कि सभी करेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते, सिर्फ कौन से करेक्टर्स इनहेरिट होंगे जो जर्म प्लाज्म में होंगे. लाइक उसने कहा, रैट्स का एग्जाम्पल लिया, उसने रैट्स की टेल को 50 जनरेशन तक कट किया. मीन्स हर 50 जनरेशन तक उसने हर जनरेशन में जो भी रैट्स आए उनके टेल को कट करता गया. लेकिन जब 50 के बाद नेक्स्ट जनरेशन देखा तो तब भी कभी भी उसको टेल लेस रैट्स कभी नहीं मिले. दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 50 जनरेशन में एक तरह से ये एक्वायर्ड करेक्टर था कि टेल प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी कभी ये करेक्टर नेक्स्ट में पास नहीं हुआ. देन अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंडियन वुमेन का. इंडियन वुमेन बोरिंग ऑफ पिन्ना एंड नोज, मीन्स ईयर और नोज की पियर्सिंग करवाते हैं, बट कभी भी ईयर नोज पियर्सिंग जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता. एवरी जनरेशन हैज टू गेट इट डन, ईयर और नोज की पियर्सिंग. ठीक है, देन हम अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लाइक चाइनीज वेमेन. चाइनीज वेमेन जो है वो हैवी शूज पहनते हैं सो दैट जो उनके फीट हैं उनका साइज स्मॉल रहे, लेकिन वो जो करेक्टर है वो उनको हर जनरेशन में अपने आप एक्वायर करना पड़ता है, ये करेक्टर कभी भी नेक्स्ट में पास नहीं होता. यूरोपियन लेडीज हैं जो टाइट वेस्ट गारमेंट्स पहनते हैं सो दैट उनकी जो वेस्ट है वो सिलेंड्री कर रहे हैं, बट जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें ये करेक्टर कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हुआ. रेसलर्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वो बॉडी बिल्ड करते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, बट वो अपनी लाइफ स्पैन में वो बिल्डअप करते हैं, बट कभी भी आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं वो ऑलरेडी बिग मसल्स के साथ बॉर्न नहीं होते. तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते. दैट मीन्स जर्म प्लाज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे. हमारे पास है नियो लेमार्किज्म. ऑगस्ट वेसमैन के जो इनपुट्स थे उसके बाद लेमार्क थ्योरी को मॉडिफाई किया गया. सो नियो लेमार्किज्म ने 3 पोस्टुलेट्स दिए. सिंपली सेड डिफरेंट साइंटिस्ट थे नियो लेमार्किज्म के जिन्होंने अपनी अपनी फाइंडिंग्स की, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और 3 पोस्टुलेट्स उसके बनाए गए. सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सोमेटिक सेल्स. सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जिस सोमेटिक सेल से वो बनेंगे और उसमें जो करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे वही करेक्टर्स आगे जर्म सेल्स में आएंगे. अब जो जर्म सेल्स हैं दे कैन बी इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, मतलब जर्म सेल्स पे एनवायरमेंट का इफेक्ट हो सकता है. जो जर्म सेल्स पे इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जर्म सेल्स कैन बी थ्रू सोमेटिक सेल्स. सो काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट मिले हैं जिसमें ये देखा गया कि सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस आए वो आगे जर्म सेल्स में गए. तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि एनवायरमेंट जिसकी वजह से नए एक्वायर्ड करेक्टर्स आएंगे वो जर्म सेल्स में कैसे आए, थ्रू सोमेटिक सेल्स. तो इसका मतलब एनवायरमेंट ने जो इफेक्ट डाला जर्म सेल्स पे वो थ्रू सोमेटिक सेल्स डाला. या ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जर्म सेल्स कैन बी डायरेक्ट.
मीन्स ऐसे भी एक्सपेरिमेंट देखे गए जिसमें डायरेक्टली जो सोमेटिक सेल्स में वो करेक्टर नहीं था बट जर्म सेल्स में डायरेक्टली वो करेक्टर आ गया और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया. सो ये थ्री डिफरेंट जो पॉस्टुलेट्स हैं वो वेसमैन के जो इनपुट्स है और जो लेमार्क की थ्योरी थी उसको मिला के हमने बनाया है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यू लेमार्किज्म. नेक्स्ट थ्योरी इज डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम इसे कहते हैं. और बेसिकली इसमें जो पॉस्टुलेट्स हैं उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है डार्विन का और वेलेस का, इसलिए हम इसको डार्विन वेलेस थ्योरी भी कह सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, फर्स्ट स्टेप क्या है जब एवोल्यूशन हम कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं या डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं वो रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करता है. मतलब वो बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं और जनरली एक्चुअल सर्वाइवर्स जो आपको नेचर में मिलेंगे जनरली उससे ज़्यादा की रिप्रोडक्शन होती है. बाद में कुछ की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर्स आपको कम मिलते हैं. रैपिड मल्टीप्लीकेशन की जगह पॉस्टुलेट आपको दिया हो सकता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू ओवर प्रोडक्शन. ये सभी में नहीं मिलता बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक्चुअल सर्वाइवर से बहुत ज़्यादा प्रोजेनी ज़्यादा बनाते हैं. देन ये भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट रिप्रोडक्शन रेट है, तो इसलिए आप टर्म ये भी दे सकते हो दैट डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन.